हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है वो फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसीज निकाली गई हैं, और ये वैकेंसी जो है सिविल और इलेक्ट्रिकल में ये वैकेंसीज हैं फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर की। जो फर्स्ट वैकेंसी हमारी वो है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 31 है, जिसमें से 14 वैकेंसी अनरिजर्व है। ओबीसी के लिए 7 वैकेंसी रिजर्व है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनके लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है, और एक्स सर्विसमैन या डी एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए 4 वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है फील्ड इंजीनियर सिविल में। टोटल 12 वैकेंसीज हैं, जिसमें 6 वैकेंसी अनरिजर्व है, 3 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में है, 2 वैकेंसी एससी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी फील्ड सुपरवाइजर की है इलेक्ट्रिकल में। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसी 31 है, इसमें 17 वैकेंसी अनरिजर्व है, 5 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में है, 5 वैकेंसी एससी कैटेगरी में है और एसटी कैटेगरी में 1 वैकेंसी रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है, 1 वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और 4 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी फील्ड सुपरवाइजर सिविल में है। टोटल फील्ड सुपरवाइजर सिविल में टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 12, जिसमें 6 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व है, 3 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है, 1 वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है और 1 वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो है उनके लिए रिजर्व रखी है। इसके अलावा फ्यूचर जो है वो एंटीसिपेटेड पोस्ट प्रोजेक्ट जो है, फ्यूचर में जो एंटीसिपेटेड इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। जैसे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 26 वैकेंसीज हैं, जिसमें 13 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व है, 6 वैकेंसी ओबीसी, 5 वैकेंसी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज हैं, 1 वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में टोटल 26 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी फील्ड इंजीनियर सिविल में आपकी 10 टोटल वैकेंसीज हैं। ये फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट ये करेंगे उसकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। 10 टोटल वैकेंसीज हैं फील्ड इंजीनियर सिविल में, जिसमें 5 अनरिजर्व है, 2 ओबीसी, 2 एससी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और 1 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में है। 26 टोटल वैकेंसीज हैं, 14 वैकेंसी अनरिजर्व है, 5 ओबीसी, 4 एससी और 1 एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जो है उनके लिए 1 वैकेंसी है और 3 जो है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रिजर्व है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में। फील्ड सुपरवाइजर सिविल में 10 टोटल वैकेंसीज हैं एंटीसिपेटेड। 5 वैकेंसी जो है वो ओबीसी और सॉरी 5 वैकेंसी अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2 और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। 1 वैकेंसी ही जो है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी कंपनी सेक्रेटरी की। 1 टोटल वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। जो एज लिमिट और क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, अगर आप फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो है 29 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ रखी गई है। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है वो फुल टाइम जो है बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 55% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपने जो है ये अपनी डिग्री जो है क्लियर की होनी चाहिए, पास की होनी चाहिए। डिसिप्लिन जो यहाँ बोले बताए हैं इन्होंने वो इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए आपकी, इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में या फिर पावर इलेक्ट्रिकल, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में आपके पास जो है ये बीई, बीटेक या बीएससी होनी चाहिए। फील्ड एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है, शुड हैव 1 ईयर का आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइन इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में, इलेक्ट्रिकल वर्क में, इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आरई, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम डीएमएस, सब ट्रांसमिशन एसटी, ट्रांसमिशन लाइन या फिर सब स्टेशन का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है फील्ड इंजीनियर सिविल की। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 29। क्वालिफिकेशन में बीई, बीटेक, बीएससी होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ। अगर आप एससी, एसटी या फिर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, तब आपने सिर्फ ये डिग्री जो है पास की होनी चाहिए। फील्ड एक्सपीरियंस जो रखा गया है वो है 1 ईयर का आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग, सिविल वर्क में एटसेट्रा, इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आरई, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम डीएमएस, सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की नेक्स्ट वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट 29 रखी गई है, 29 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन जो उन्होंने रखी है वो रखी है फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में आपके पास, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 55% मार्क्स के साथ। अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपने पास किया होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने क्लियर
लिखा है कि अगर आपके पास हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे बी ई बी बी टेक है, बी ई है, एम टेक है, एम ई है, तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो हैं वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डिसिप्लिन इन्होंने बताए हैं वो हैं आपके इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ये आपके पास जो है डिसिप्लिन रखे हैं। अगर आप इन्होंने इन डिसिप्लिन में भी अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड एक्सपीरियंस 1 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग का, इलेक्ट्रिकल वर्क एटसेट्रा इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन एटसेट्रा का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है फील्ड इंजीनियर सिविल की, फील्ड सुपरवाइजर सिविल की वैकेंसीज है। टोटल जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 29 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप एससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपने जो है ये पास किया होना चाहिए। अगर आपने बीई बीटेक एमटेक एमई वगैरह की है, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फील्ड एक्सपीरियंस जो रखा गया है वो है आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग, सिविल वर्क एटसेट्रा इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन एटसेट्रा का एक्सपीरियंस इन पीएसयू लिस्टेड कंपनी पार्टिकुलर इन पावर सेक्टर शैल बी प्रेफर्ड। ये आपसे अगर ये प्रेफर किया जाएगा अगर आपके पास पीएसयू या लिस्टेड कंपनी का एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर का। तो कंपनी सेक्रेटरी की जो वैकेंसी है उसके लिए जो एज लिमिट है वो है आपकी 29। क्वालिफिकेशन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI का आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो रखा है 1 ईयर का आपके पास इन कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एनी अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग शुड नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। तो इन्होंने बोला है कि 1 ईयर का आपके पास इन कंपनी सेक्रेटरी का या लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटर्नशिप ट्रेनिंग या अगर आपने और कुछ किया है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने यहाँ बताया है कि आपके पास कौन कौन से एरिया में जो है कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है वो रखी सॉरी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज लेक्चर्स यहाँ प्रोवाइड की गई है। जैसे अगर आप एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, तब आपको यहाँ पर एज लेक्चर्स इन्होंने प्रोवाइड की है। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर की एज लेक्चर्स हैं, एससी एसटी से 5 ईयर की, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से 10 ईयर की, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो एज पर गवर्नमेंट रूल, विक्टम ऑफ राइट्स हैं तब आपको एज पर गवर्नमेंट रूल जो है यहाँ पर एज लेक्चर्स प्रोवाइड की गई है। जो एप्लीकेशन फीस यहाँ रखी गई है वो रखी है आपकी अगर आप फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल या फिर कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 400 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे करनी है। अगर आप फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिविल में अप्लाई करने वाले हैं तो 300 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में यहाँ पे करने हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 18 दिसंबर। 18 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 18 दिसंबर 2023 से पहले पहले आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।